कांग्रेस सपा जैसी पार्टियों ने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति की। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में पीएम नरेंद्र मोदी ने जनसभा की। इसी दौरान नरेंद्र मोदी ने विपक्षी दलों पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन की नजर अब आपकी कमाई पर है, आपकी संपत्ति पर है। प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को अलीगढ़ के नुमाइश मैदान में एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आपकी मेहनत की कमाई, आपकी संपत्ति पर कांग्रेस अपना पंजा मारना चाहती है, आपकी संपत्ति को कब्जे में लेकर बांटना चाहती है। आइए विस्तार से जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को अलीगढ़ में जनसभा की। जनसभा में उन्होंने कहा, पिछली बार जब अलीगढ़ आया था तब अनुरोध किया था कि सपा और कांग्रेस के परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की फैक्ट्री में अलीगढ़ का ताला लगा दीजिए। आपने ऐसा मजबूत ताला लगाया कि दोनों शहजादों को आज तक इसकी चाबी नहीं मिल रही। पीएम ने आगे कहा, इंडी गठबंधन की नजर आपकी संपत्ति पर है। नौकरी पेशा वाले लोगों ने अपने बच्चों के भविष्य के लिए जो एफडी करवाई है, वे लोग उसकी भी जांच कराने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस इसका सर्वे कराएगी, फिर सरकार के नाम पर कब्जा करेगी। आपकी संपत्ति को छीनकर बांटने की बात कर रही है। कांग्रेस यहां तक जाएगी कि आपके गांव में पैतृक घर है तो ये लोग उसे दो घर बताकर छीन लेंगे। कांग्रेस के लोग कहेंगे कि आपके पास गांव में तो एक घर पहले से ही है। इनकी यह सोच माओवादियों और कम्युनिस्टों की है। कांग्रेस और इंडी गठबंधन इसे भारत में लागू करना चाहती है। आपकी संपत्ति पर कांग्रेस अपना पंजा मारना चाहती है, आपका स्त्री धन लूटना चाहती है, माताओं बहनों का मंगलसूत्र अब सलामत नहीं रहेगा, यही कांग्रेस ने कहा है। इन परिवारवादी लोगों ने देश को लूटकर अपना इतना साम्राज्य बना लिया है कि देश को कुछ नहीं दिया है। अब की नजर देश के लोगों की संपत्ति पर है। जनता के धन को लूटना, देश को लूटना ही कांग्रेस अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझती है। वही पीएम मोदी ने आगे कहा कि जो लोग योगी जी की पहचान सिर्फ बुलडोजर से करते रहते हैं, मैं उनकी आंखें खोलना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में आजादी के बाद जितना औद्योगिक विकास नहीं हुआ उतना अकेले योगी जी के कालखंड में हुआ है। इस क्षेत्र को गंगा और यमुना दोनों का आशीर्वाद प्राप्त है। यहां खेती और किसानों को ताकत कैसे मिले, गन्ना किसानों की ताकत कैसे बढ़े, इसके लिए भाजपा लगातार काम कर रही है। पीएम मोदी ने कहा कि तीन तलाक से पीड़ित कितनी ही बेटियों का जीवन तबाह हो गया, अब मोदी ने तीन तलाक के खिलाफ कानून बनाकर उनका जीवन सुरक्षित किया है। आज न सिर्फ भारत का हज कोटा बढ़ा है बल्कि वीजा नियमों को भी आसान बनाया गया है। सरकार ने महिलाओं को बिना महरम हज जाने की अनुमति भी दी है। कांग्रेस सपा जैसी पार्टियों ने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति की और मुसलमानों के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक उत्थान के लिए कभी कुछ नहीं किया। और जब मैं पसमंदा मुसलमानों की मुसीबत की चर्चा करता हूं तो इनके बाल खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये ऊपर के लोगों ने मलाई खाई है और ये पसमंदा मुसलमानों को भी उसी हालत में जीने के लिए इन लोगों ने मजबूर कर दिया है। साथियों, यही इसी क्षेत्र में तीन तलाक से पीड़ित कितनी ही बेटियों का जीवन तबाह हो गया था। और सिर्फ बेटियों का नहीं, और तीन तलाक के कारण मुसीबत में आई उस बेटी, उसके पिता, भाई, परिवार सब परेशान हो जाते थे। अब मोदी ने तीन तलाक के खिलाफ कानून बनाकर उनका जीवन भी सुरक्षित किया है। मोदी ने कहा, यहाँ से हमें कल्याण सिंह और अशोक सिंघल जैसे नवरत्न मिले, ये गर्व की बात है कि 500 साल बाद हम भव्य राम मंदिर देख रहे हैं। जब राम मंदिर की बात आती है तो सपा कांग्रेस को लोगों की नींद उड़ जाती है। यह लोग 70-70 साल से बैठे थे, अब सोचते हैं कि ये लोग क्या करें। इसलिए यह लोग गुस्से में है, इतना ज्यादा गुस्से में है कि प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को भी ठुकरा दिया। जब मुझे प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिला तो मैंने जूते उतारे और उस निमंत्रण को सिर पर लगाया। कितना सुखद था वो। राम मंदिर भारत को विकसित देश बनाने का आशीर्वाद दे रहा है। बाकी इस लोकसभा चुनाव को लेकर आपकी राय हमें कमेंट में बताएं और वार्ता 24 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं वार्ता 24।